शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलका विकासखंड उदयपुर के शिक्षकों का विभिन्न निकायों द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलका में आत्मीय रूप से सम्मान किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ होने में उन्होंने कहा कि कलम के सिपाहियों ने सलका विद्यालय को एक नई पहचान दी, जिससे सामाजिक रूप से लोगों का जीवन स्तर उठाने में सहायक हुआ है, विकासखंड में अग्रणी विद्यालय के रूप में उभरा है। ग्राम पंचायत सरगांव राजबंध से उपस्थित संतोष जायसवाल, भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री महिपाल सिंह उप सरपंच अपने विचार व्यक्त करते हुए बोले, सभी शिक्षकों को गुरु सम्मान से संबोधित करते हुए कहा, प्राचार्य के नेतृत्व में विद्यालय सदैव उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होते हुए सदा सार्थक कार्य किया है। विकासखंड उदयपुर में अपनी अलग तरह की एक अलग छटा बिखेरता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आईटीआई संगठन भारत प्रदेश महासचिव मीडिया प्रकोष्ठ भरतलाल गुप्ता 15 निकायों के शिक्षक सम्मान कर एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए गुरु शिष्य की परंपरा को पुनः एक बार रेखांकित करते हुए विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का पुष्पगुच्छ पेन गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। समस्त शिक्षकों को सम्मानित करते हुए सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे और शिक्षकों से आह्वान किया कि जिस प्रकार आज तक विद्यालय को और गांव को शिक्षा से अपने एक नई संबल प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार कलम के सिपाही बनकर ग्रामवासियों को ज्ञान से पोषित करते रहे, जिससे सलका में अच्छी संस्कृति और सही समाज का विकास हो। विद्यालय किसी समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करता है, जिसकी जिम्मेदारी आप शिक्षकों की है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य बाल भगवान राम ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार ये एक प्रथम अवसर है जो दर्जनों प्रतिष्ठित निकायों के द्वारा इस प्रकार के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी शिक्षक भाव विवल होकर इस सम्मान के प्रति आजीवन स्मरण करने वाली करुणा स्नेह के लिए सभी 15 निकायों का धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी ऋषि कुमार पांडेय द्वारा कार्यक्रम के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि इतने सारे निकायों के द्वारा सम्मानित होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। सूरजपुर से आशिक खान की रिपोर्ट।